करते हैं अपना चैप्टर का अनुवाद। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखिए। तो ये कौन कहता है, यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कहते हैं कि हम हमेशा क्या आगे की साइड ही हमें कदम रखना चाहिए। और वो यही बोलते हैं, आह्वान करते हैं कि चलो चलो आगे कदम रखो, सदा आगे ही कदम रखो। और आगे वे क्या कहते हैं, निश्चय अर्थात निश्चित रूप से ही पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है उस समय तो अपना बल ही साधन होता है, इसीलिए सदा ही आगे कदम रखो। तो जो हमारे श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं आगे क्या कहते हैं, रास्ते में विचित्र अर्थात अजीब से नुकीले और ऊबड़ खावड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं, अतः निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है फिर भी हमें हमेशा आगे आगे ही कदम रखो। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं हमारे श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। अब आगे वो क्या कहते हैं, डर को छोड़ दो, ताकत को याद करो और उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, सदैव आगे ही कदम रखो। तो हमारे जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी यही कहते हैं कि हमें डर को छोड़ देना चाहिए और अपनी ताकत को याद करना चाहिए और उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करना चाहिए और लगातार अपने उद्देश्य को याद रखकर सदैव आगे की साइड अपना कदम रखना चाहिए। बस यही कहते हैं हमारे श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नमस्कार।